नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं मस्जिद अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं पीछे मस्जिद, और मेरे साथ जो ज़ाहिर आए हैं वो आए हैं अमेरिका से और फर्स्ट विजिट रहेगा मेरे साथ। तो आए हम आपको मस्जिद की पूरी तफसीली अंदर से ज़्यादा करवाते हैं। ये मस्जिद जो है मंसूब हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और रवायत है कि उन्होंने बनवाई थी ये मस्जिद। तो इस मस्जिद का आपको अंदर से तफसील की वीडियो भी बनाते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको, और साथ साथ तफसील भी बताते जाएंगे इसकी मस्जिद की, और तमीर वो भी आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त शाहकार आज से हज़ारों साल गुजरने के बाद भी अपनी असली हालत में ये मस्जिद मौजूद है। तो मैं भी आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ, तो आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये सामने आपको मस्जिद का सहन ये बाद में बना हुआ है, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। पहले मस्जिद के अंदर से ज़्यादा करूँगा, फिर बाहर वाले सहन की, फिर ऊपर मीनार की ज़्यादा करूँगा। तो आए मेरे साथ, अंदर चलते हैं मस्जिद में, और ये बाहर वाला हिस्सा ये बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको मस्जिद दिखाऊँ। अच्छा, ये दरवाज़ा बाद में लगा है, इसके ऊपर लकड़ी का ये पुराना है, और ये अंदर देखें माशाल्लाह जानवाज बिछी हुई हैं, और ये सामने ऊपर छत नज़र आ रही है, बाद में बनी है छत, लेकिन दीवारें ये 1450 साल पुरानी है। सामने मेहराब हो गया, ये सारी पुरानी है, लेकिन छत दोबारा तमीर हुई है क्योंकि वक्त के साथ वो गिर गई थी, वो लकड़ी की थी, वो मिट्टी की थी, वो गिर गई थी। और ये बाहर वाला सहन था, ये नया सहन है, और ये जो सहन है ये मैं ऊपर से दिखाता हूँ। तो यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको मैं सहन, ये यहाँ से ध्यान से ऊपर जाना है, बड़ा फिसलन वाला है ये। और ये सामने जो ईंटें लगी हैं ये भी नया हिस्सा ये वाला, लेकिन पत्थरों वाला सारा हिस्सा पुराना है। तो यहाँ पर सहन में भी ये नमाज़ पढ़ते थे दिन की, रात के रोशनी में, रात के वक्त या दिन की रोशनी में आप कह सकते हैं। और ये ऊपर सामने जो उसका मीनार, और ये मेरे साथ जो ज़ाहिर है वो ऊपर खड़े हैं छत के ऊपर, और यहाँ से भी पहले बाहर से आपको ज़्यादा करवाऊँ उसकी मस्जिद की मैं। अच्छा, जंगला किसने तोड़ा हुआ है, और एक साइड के ऊपर पहाड़ है, और अगर इसके दूसरी साइड के ऊपर देखें, ये जंगले के दूसरी साइड के ऊपर ये राइट साइड ट्रक गुजर रहा है, यहाँ पर मस्जिद अदास है, वो सामने मस्जिद अदास। मैं जूम करता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ, ये मस्जिद अदास आ गई, और ये इस रास्ते से आते हुए आप ये दरख्त के अंदर से होते हुए रास्ते ये आता है, ये पीछे जो दरख्त है यहाँ से, और ये पहाड़ ज़रा थोड़ा ख़तरनाक है, फिसलन है, ढलान है इसके ऊपर, और किसी ने पीछे से यहाँ से जंगले का जो रास्ता है वो जंगला तोड़ा हुआ है, ये देखें सामने जंगला राइट साइड के ऊपर। तो मैं अंदर लेके जाता हूँ आपको, और इसके अंदर से ऊपर फिर मीनार पे लेके जाता हूँ, और ऊपर टॉप पे लेके जाता हूँ मैं आपको, आ जाए जी नाज़रीन। और इसके बारे में रवायत है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने यह मस्जिद बनाई थी, और यहाँ पर उन्होंने नमाज भी पढ़ी थी, ये रवायात का एक हिस्सा है, आ जाए अंदर जी नाज़रीन। ये आप देख रहे हैं स्टेप इसके लकड़ी के लगा के, ताकि कोई पाँव फिसे ना उस दौर में, और छोटे छोटे स्टेप, बड़े खूबसूरत स्टेप बनाएंगे। और ये विंडो है, और बड़ी तंग सी जगह है, और देखें कितनी मजबूती के साथ, और ये दीवार के अंदर ये लकड़ी के, ये देखें दीवार के अंदर लकड़ी के ये बीम दिए हैं, ताकि कोई जलजला वगैरह इसको मुतासर ना कर सके बिल्डिंग को, और साइड के ऊपर भी लकड़ी का दिया हुआ है। ये विंडो रखी है हवा की आमोदरफ्त के लिए, और कितनी खूबसूरती से चिनाई की गई है इन पत्थरों की, और कैसा मटेरियल यूज़ किया गया है। और ये ऊपर जो एक विंडो आ गई बाहर की तरफ, कितना खूबसूरत इसका व्यू है। और इसी तरह ये ऊपर छत देखें माशाल्लाह लकड़ी की, तकरीबन 1450 साल से ये वाला हिस्सा अपने ओरिजिनल कंडीशन में है। और इसी तरह हम इससे आगे और मज़ीद लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ये एक और विंडो है, और ये पहाड़ की तरफ वाला रास्ता आ गया, और आगे ऊपर स्टेप नहीं है, ये टूट चुके हैं वक्त के साथ, काफ़ी खस्ता हालत में है। तो हम यहाँ से ही ये टॉप ऊपर, यहीं से ही हम वापस नीचे चलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से उतरना है, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक है ये रास्ता, छोटा स्टेप छोटे हैं, और काफ़ी तंग जगह है ये। और मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि इतना ज़बरदस्त ये उस दौर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे खूबसूरत अंदाज से ये बनाई गई है। देखें हवा का मदद का निज़ाम, और हर चीज़ को मद्दनज़र रखा हुआ, और कैसा खूबसूरत मटीरियल इस्तेमाल किया इन्होंने, और पुख्ता मटीरियल जो आज वक्त गुजरने के साथ, आज ये छत की तरफ खिड़की खुल रही है, कितना वक्त गुजरने के बाद जो अपनी असली कंडीशन में है। तो जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो ये देखें, अच्छा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दिया करें, ताकि आपको के लिए ऐसी और वीडियो भी लेके आते रहें। बहुत शुक्रिया।